ओके अग्रवाल साहब, संतोषी और कुछ स्टूडेंट यस सर, पूछना चाह रहे हैं कि इसको क्या क्लोज टेस्ट आखिर होता क्या है और क्लोज टेस्ट यस का कैसे देखना चाहिए, कैसे सुनना, कैसे समझना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए कि एग्जैक्ट आंसर ज़्यादा से ज़्यादा सही हो यस सर, पाए, प्लीज। ठीक है सर। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको कहा कि क्लोज टेस्ट हमारा आप देख ही रहे हैं, पैराग्राफ की तरह होता है। पैराग्राफ मतलब सिंपली आप अगर इसको समझना है तो एक कहानी के तौर पे आप इसको लीजिए, ठीक है। बचपन में क्या होता था कि कहानी हम लोगों को दे दी जाती थी और बीच बीच में ब्लैंक छोड़ दिया जाता था, ठीक है। और ब्लैंक के लिए कुछ ऑप्शंस दे दिए जाते थे कि इसमें जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो आपको यूज करना था। तो वो कहानी की बात थी, कहानी हम देख के उसके अनुसार हम जो वर्ड सूट होता था, वहां पे सुटेबल वर्ड होता था, वो हम वहां पे यूज कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीजें हैं, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाँ बोलिए अग्रवाल साहब, हाँ बोलिए। हाँ यस। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है, मतलब इसको आपको लेना है कि हाँ मेरे सामने जो दिया हुआ है इसको, ये स्टोरी की तरह ही है जिसे हमें इसको पूरा करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आई मीन टू से है, से कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इसका आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। कि हम कहाँ पे कौन सा वर्ड सूट कर रहा हो उसके अनुसार हम लगाएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे टू मिला आपको, कहीं पे फोर मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि टू के बाद, फोर के बाद ऐसा कौन सा वर्ड आएगा जो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसका बेसिक कंसेप्ट है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, राइट। ये हुई ग्रामर की चीज है। दूसरी चीज ऐसी आती है वर्ड के ऊपर, कहीं कहीं के वर्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वर्ड एक ब्लैंक देगा, उस ब्लैंक में पांच ऑप्शन होंगे जिसमें पांचों की वर्ड आपकी मिलती जुलती होगी, मीनिंग मिलती जुलती होगी, लेकिन वो आपको मीनिंग के आधार पे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड वहां पे सूट कर रहा है। जैसे अगर मान लीजिए, अगर आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया, आई हैव टू ब्लैंक फीस इन द काउंटर, और वहां पे दे दिया सबमिट, दे दिया डिपॉजिट, दे दिया और पे दे दिया, तीनों का मतलब जमा करना होता है। सबमिट पे पे अग्रवाल साहब, अग्रवाल जी,